प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में प्रेग्नेंट महिला ट्रेवल कर सकती है या नहीं कर सकती है? अगर ट्रेवल कर सकती है तो किस तरह से ट्रेवल करना चाहिए? कार से, बस से, ट्रेन से या फ्लाइट से? कौन सा तरीका ट्रेवल करने के लिए सबसे सेफ माना जाता है? ट्रेवल करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? क्या क्या सावधानियां बरतनी ज़रूरी होती हैं? और अगर ट्रेवल करना है, आपका कोई प्लान्ड ट्रेवल है, इलेक्टिव ट्रेवल है, तो कौन सा महीना ज़्यादा सेफ होता है ट्रैवलिंग के लिए? यही हम आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आपको पूरी डिटेल्स में ये समझाऊंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन सवाल होता है। कई बार महिला को कोई शादी फंक्शन अटेंड करने के लिए जाना पड़ रहा होता है, कभी कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है, कभी महिला लास्ट टाइम पर डिलीवरी के लिए मायके जा रही होती है, तो ट्रैवलिंग इज़ क्वाइट कॉमन। ठीक है, तो ट्रैवल करने में सबसे पहले हम आते हैं कि ट्रैवल करने का कौन सा महीना सबसे सेफ होता है। तो जहाँ तक सेफ्टी की बात है, महीनों के हिसाब से, यानी कि किस टाइम पे आपको ट्रैवल करना चाहिए, तो देखिए, हम लोग कहते हैं कि शुरू के 3 महीने आप ट्रैवल करना अवॉइड कीजिए और लास्ट के 3 महीने भी ट्रैवल करना अवॉइड कीजिए। जो बीच के 3 महीने हैं वह ट्रैवल करने के लिए सबसे सेफ होते हैं। 14 से 28 हफ्ते का जो प्रेगनेंसी का समय है वह ट्रैवल करने के लिए सबसे सेफ माना जाता है। जो शुरू के 3 महीने होते हैं उस टाइम पे अगर ट्रैवल किया जाता है तो थोड़ा जी घबराना, उल्टी, ये सब ज़्यादा चल रहा होता है, थकान ज़्यादा होने की टेंडेंसी रहती है, और एक्चुअली मिसकैरेजेस वगैरह भी अगर होते हैं तो शुरू के 3 महीने ही में ही होते हैं। इसलिए हम शुरू के 3 महीने स्पेसिफिकली ट्रैवल करने के लिए, अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बीच के 3 महीने सेफ हैं। जो आखिर के 3 महीने हैं उसमें फिर से हम मना इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि लास्ट के 3 महीने प्रीटर्म डिलीवरी होने का रिस्क जो होता है वह थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एब्सोल्यूट ना है, यानी कि लास्ट के 7वां महीना है या 8वां महीना है तो आप बिल्कुल ट्रैवल कर ही नहीं सकती। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करना है। अगर सब कुछ सेफ़ है, आपके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं, तो आप ट्रैवल कर सकती हैं गाइडलाइंस के हिसाब से, यानी कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके। अगर ग्रॉसली आपके पास चॉइस है कि शुरू के 3 महीने ट्रैवल करें या लास्ट में या बीच में, तो आपको बीच के 3 महीने में ट्रैवल करना चाहिए। अब हम आते हैं कि ट्रैवल करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है। फ्लाइट से ट्रैवल करें, ट्रेन से, बस से या कार से? तो देखिए, ग्रॉसली अगर लंबी जर्नी है आपका, यानी कि डिस्टेंस लंबा है, कई घंटों का सफ़र है, तो हम लोग बोलते हैं कि फ़्लाइट एक बेटर ऑप्शन है, यानी कि एयर ट्रैवल इन सब में सबसे सेफेस्ट माना जाता है। क्योंकि जब आप बाय रोड या बाय ट्रेन बहुत लंबा सफ़र करती हैं, ट्रेन भी रिलेटिवली सेफ, अगर आप मुझसे कैटेगरी पूछेंगी तो मैं फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन मानूंगी फ्लाइट, सेकेंड बेस्ट इज़ ट्रेन, एंड थर्ड इज़ बाय रोड, यानी कि बस या कार से जाना। क्यों हम फ्लाइट को सबसे सेफ मानते हैं? क्योंकि फ़्लाइट में जो ड्यूरेशन होता है वो सबसे कम लगता है, टाइम सबसे कम लगता है। और क्यों हम कार या बस के रूट को सबसे ख़राब मानते हैं? क्योंकि समय ज़्यादा लगता है और दूसरा, आपके लिए मूवमेंट का ज़्यादा स्कोप नहीं होता। तो जब आप कार या बस से लंबा सफ़र तय कर रही होती हैं तो DVT का रिस्क, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि पैर में खून का थक्का जमने का जो रिस्क होता है वो थोड़ा हायर साइड के अंदर होता है। जबकि अगर, और ट्रेन को हम थोड़ा सा बेटर इसलिए मानते हैं क्योंकि ट्रेन के अंदर स्पेस होती है, आप उठ के आराम से चल फिर आसानी से सकती हैं। ट्रेन के अंदर आप लेग्स वगैरह स्ट्रेट ज़्यादा ईजीली कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं ज़्यादा ईजीली एज़ कम्पेयर टू कार वगैरह में। तो सबसे बेस्ट, अगर आपका लंबी जर्नी है, सबसे बेस्ट फ्लाइट, सेकेंड बेस्ट इज ट्रेन, एंड थर्ड ऑप्शन आप अपना बस या कार का रखिए। ठीक है, अब आप जिस भी मेथड से ट्रेवल कर रही हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां आपको ट्रेवल करते हुए बरतनी हैं, ताकि अगर आप ट्रेवल करें तो किसी प्रकार का प्रेगनेंसी में आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए या कोई नुकसान ना आए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की, चलिए हम एक एक करके बात करते हैं कि अगर आप ट्रेवल कर रही हैं, सपोजिटली आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रही हैं, अब अगर आप फ़्लाइट से ट्रेवल कर रही हैं तो आपको इन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो फ़्लाइट वाले एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ होते हैं वो आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप फ़िट हैं ट्रेवल करने के लिए या नहीं हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक सर्टिफिकेट लिखवा के लाना रहता है। जैसे सपोजिटली आप 25 जुलाई को ट्रैवल कर रही हैं तो विदिन 3 डेज का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 23-24 तारीख के आसपास आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उन्हें दिखाइए और उनसे आप एक सर्टिफिकेट लीजिए कि आप प्रेगनेंसी में ट्रैवल करने के लिए, फ़्लाइट से ट्रैवल करने के लिए फ़िट हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ आपसे वो सर्टिफिकेट मांगती हैं, और डिस्क्लोज़ भी कर देना चाहिए ताकि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है तो वो रखी जा सके।
फ्लाइट में बहुत बार मरीजों को लगता है कि जो एयर प्रेशर चेंजेस होते हैं उससे बच्चे को नुकसान होता है, तो जी नहीं, एयर प्रेशर के चेंजेस का बच्चे पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बच्चा यूट्रस के अंदर एक वाटर बैग के अंदर सेफ होता है, जिसपे उसके एयर प्रेशर के चेंजेस का कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता है। फ़्लाइट में आप जब भी ट्रेवल कर रही हैं, बहुत बार लोगों का ना को टेंडेंसी होती है कि हल्का फुल्का जी घबराता है ट्रेवल करने के टाइम, तो वो लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं। तो फ़्लाइट में आप ऐसा नहीं कीजिए, उसकी जगह आप प्लेन वाटर लीजिए ट्रैवल करने से पहले। क्योंकि जब आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेती हैं और जब आप हाइट पर ट्रैवल करती हैं, यानी कि जब एरोप्लेन जो है एक हाइट पे पहुंच जाता है, तो वहाँ पे जो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने के कारण आपका जी घबराना, उल्टी होने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ सकती है। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना लेके प्लेन वाटर का इंटेक कीजिए। फ्लाइट में भी अपने पैरों के मूवमेंट्स बनाए रखिए, यानी कि थोड़ी देर बाद अपने पैर के टोस को मूव कीजिए। हो सके तो बीच में, अगर लंबी फ्लाइट है, लंबी जर्नी है, तो बीच में एक दो राउंड्स मार के आ जाइए। ये इसलिए हम बोलते हैं ताकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि पैरों में खून का थक्का जमने का रिस्क ना रहे। फ्लाइट में ट्रेवल कर रही हैं, जिस भी मेथड से कर रही हैं, बाहर का कच्चा खाना आपको नहीं खाना है, क्योंकि बाहर का कच्चा खाना, रॉ फूड जो होता है, उसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। इसलिए रॉ फूड आप किसी भी मेथड से ट्रेवल कर रही हैं तो आपको रॉ फूड नहीं लेना है। फ्लाइट में हर फ्लाइट का, हर एयरलाइंस का अपने गाइडलाइंस होते हैं। कुछ एयरलाइंस 32 वीक्स तक अलाउ करती हैं, और कुछ 34 और कुछ 36। यूजुअली डोमेस्टिक फ्लाइट्स 34 टू 36 वीक्स तक आपको ट्रेवल करना अलाउ करती हैं, लेकिन डेफिनेटली सर्टिफिकेट के साथ में। और यूजुअली इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो होती हैं, वो यूजुअली आपको 32 वीक्स तक अलाउ करती हैं ट्रेवल करने के लिए। हर एयरलाइंस की गाइडलाइंस लिखी होती हैं, आप वो देख सकती हैं और उसके हिसाब से डिसाइड कर सकती हैं। अब हम आते हैं कि अगर आप ट्रेवल कर रही हैं, फ़्लाइट से नहीं ट्रेवल कर रही, आप बाय रोड ट्रेवल कर रही हैं, यानी कि आप बस पे या कार पे जा रही हैं, तो बस पे या कार पे जा रही हैं और थोड़ा सा लंबा सफ़र है, एक दो घंटे में तो कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जैसे ये सफ़र 3-4 घंटे से ऊपर का होता है, तो हमारा DVT का रिस्क, यानी कि पैर में खून का थक्का जमने का रिस्क जो होता है, वो आना शुरू हो जाता है। तो आपको इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आप एक तो अच्छे से हाइड्रेटेड हों, यानी कि चलने से पहले पानी अच्छे अमाउंट में पिया होना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि क्योंकि ट्रेवल करना है, बार बार यूरिन ना जाना पड़े, इसके कारण वो पानी बहुत कम पीते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि हाइड्रेटेड रहेंगी तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाइड्रेटेड रहने के साथ में अपना एनर्जी इंटेक का भी ध्यान रखिए, यानी कि कैलोरी इंटेक का भी ध्यान रखिए। खा पी के थोड़ा थोड़ा बार बार खाते रहिए, एक साथ बहुत सारा खा के नहीं निकलिए। जैसा मैंने पहले भी बताया, बाहर का कच्चा खाना नहीं लीजिए आप ट्रेवल कर रही हैं। तो बार बार स्टॉप्स लीजिए, जैसे कि सपोजिटली आप अपनी कार में ट्रेवल कर रही हैं, तो हो सके तो गाड़ी को बीच में रुकवा के बीच में थोड़ा ट्रेवल कीजिए। बार बार फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए, उसमें थोड़ा ट्रेवल कीजिए, मूव अराउंड कीजिए और फिर वापस आगे चलिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हीकल की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि जर्क्स वगैरह अवॉइड हो सकें, एक्सीडेंट्स वगैरह की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम की साइड में रह सके। सपोजिटली आप अपनी कार से नहीं जा रही हैं, बस से जा रही हैं, तो बस के अंदर भी आप, जैसे बस चल रही है तो चालू बस के अंदर जो आपके पैर के टोज हैं, पंजे हैं, उनको मूव करते रहिए, ताकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बना रहे। पैरों को नी जॉइंट पे भी मूव करते रहिए, उसे सीधे और बेंड करते रहिए। बीच में थोड़ा बहुत मूव अराउंड कर लीजिए, यानी कि एक दो चक्कर लगा के आ जाइए। वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी अगर आप बस में भी जा रही हैं तो। बस जहाँ पे रुक रही है, आप थोड़ा उतर के थोड़ा मूव अराउंड करेंगी तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी कार से जा रही हैं तो सीट बेल्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। सीट बेल्ट आपको ज़रूर से लगानी है, लेकिन सीट बेल्ट जो आपकी टमी है उससे नीचे वाले एरिया में लगाइए सीट बेल्ट। ऐसे जगह आप फ्लाइट में जा रही हैं तो भी जो सीट बेल्ट है वो आप अपनी टमी के नीचे बांधिए। तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूर है, लेकिन टमी के नीचे लगाना है, टमी के ऊपर सीट बेल्ट नहीं लगाना है, उस चीज़ का ध्यान। ट्रेवल करते वक्त हमेशा अपने जो क्लोथिंग्स हैं वो लूज़ क्लोथिंग्स, ईजी टू वियर क्लोथिंग्स पहन के चाहिए। बहुत टाइट कपड़े पहनना अवॉइड कीजिए, ताकि आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहें। तो जो आपका जो भी ड्रेसअप है वो आपके कंफर्ट के हिसाब से हो, लूज़ क्लोथिंग्स हो, उस चीज़ का भी ध्यान रखिए, ताकि बहुत गर्मी लगना या चक्कर वगैरह आना, वैसी पॉसिबिलिटी आपके केस में कम रह सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सभी बातें उन लोगों पे लागू होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड चल रही है, यानी कि उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई साइड में चल रहा है, सपोजिटली ग्रोथ रिटार्डेशन चल रहा है, या बच्चे के चारों तरफ पानी की कमी है, तो आप प्लेसेंटा अगर लो है, प्लेसेंटा प्रीविया है,
तो बेहतर है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, वो आपकी स्थिति देख के कि आप फिट हैं या नहीं हैं वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे कि आपको ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है तो बेटर है कि एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उनसे पूछ के कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा और क्या ट्रैवल करना अलाउड है आपके या नहीं है, पूछ कर ही ट्रैवल करें तो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।